नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का यह 10वां वीडियो क्लास है और इस पर जो हम बात करेंगे, आज के इन क्वेश्चन पर बात करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले हम जो इस पर बात करने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपका है, बीरबल के पुत्र को किसने अपना पुरोहित बनाया था। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आपके चंद वंश के जो शासक हैं, क्योंकि जो चंद वंश के शासक हैं वो आपके कौन थे, यहाँ पर आपके जो रुद्रचंद है, यानी कि रुद्रचंद ने क्या किया था, बीरबल के पुत्र को क्या बनाया था, अपना पुरोहित बना रखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका हरिपुरा जलाशय है, यह हरिपुरा जलाशय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यह हरिपुरा जो जलाशय है, यह आपका बांसपुर में स्थित है, और अगर इसमें आ जाएगा तो इसको आप लिखेंगे दोस्तों गुलर भोज, यानी कि जो आपका गुलर भोज है दोस्तों, गुलर भोज यानी कि कहां पर आपका बांसपुर में यह जलाशय आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो झिलमिल गुफा है, वह झिलमिल गुफा कहां पर स्थित है। ये झिलमिल गुफा जो है दोस्तों, यह पौड़ी गढ़वाल में है, यानी कि पौड़ी में आपका कौन रहेगा, झिलमिल गुफा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो मनेरी भाली परियोजना है, यह आपके कहां स्थित है। मनेरी भाली परियोजना जो है दोस्तों, यह आपका कहां पर है, उत्तरकाशी में। ये याद रखना है आपको, यह कहां है दोस्तों, उत्तरकाशी में है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसे गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपके बद्रीदत्त पांडे हैं, उन बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ही क्या कहा गया है, यहाँ पर जो सिद्धेश सुमन है उनको गढ़वाल का अभिमन्यु कहा गया है। और किसके अनुसार दोस्तों, यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, यानी कि जो आपके श्रीदेव सुमन जो है, इनको कहा गया है और किसके अनुसार कहा गया है, यानी कि किसने कहा है दोस्तों, ये आपके जो आपके कौन रहेंगे, बद्रीदत्त पांडे, यानी कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये आपके कहां के गढ़वाल के अभिमन्यु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो नाली शब्द है, इस नाली शब्द का जो उल्लेख है वह कहां मिलता है। दोस्तों, ये जो नाली शब्द का उल्लेख है, अगर हम वैसे आपसे बात करें कि नाली शब्द का जिक्र किस में मिलता है, तो सबसे पहले दोस्तों, जो तमिल साहित्य है, उन तमिल साहित्यों में आपका जो नाली शब्द है, उस नाली शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये जानकारी वहां से तो मिलती है। और अगर हम कुमाऊं की बात करें कि कुमाऊं में ये नाली शब्द कहां पर प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों, ये जो आपके कल्याण चंद्र है, यानी कि यहाँ पर आपके जो कल्याण चंद्र है, इन कल्याण चंद्र का लखनऊ संग्रहालय में एक ताम्रपत्र है, और उस ताम्रपत्र में आपका सर्वप्रथम नाली शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर लखनऊ संग्रहालय के जो ताम्रपत्र नंबर है दोस्तों, वह नंबर है आपका E73, यानी कि एक लाइन में अगर इसे आप याद करना चाहो, नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कल्याण चंद्र है, कल्याण चंद्र के लखनऊ संग्रहालय में जो ताम्रपत्र है, वो ताम्रपत्र नंबर E73 में आपको नाली शब्द का प्रयोग मिलता है। और अगर उससे और अगर ये चीज भी याद रखिएगा, जो नाली शब्द है वह तमिल साहित्यों में भी इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो सुलेमान सिको है, सुलेमान सिको के साथ कौन से चित्रकार आए थे। क्योंकि दोस्तों, जब आपका उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था औरंगजेब के समय पर, यानी कि शाहजहां के पुत्रों में, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जो दारा सिको थे, दारा सिको का जो पुत्र था सुलेमान सिको, वह कहां पर, सबसे पहले कुमाऊं आता है, फिर वो गढ़वाल पर जाते हैं। तो उसी समय दोस्तों, उनके साथ आपके दो प्रसिद्ध चित्रकार आते हैं, और जो आपके इन चित्रकारों का जो नाम रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो रहेगा वो कौन रहेगा दोस्तों, आपका श्यामदास, और दूसरा जो है दोस्तों वो कौन रहेंगे, यहाँ पर हरिदास। आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये सुलेमान सिको के साथ ही यहाँ पर आए हुए हैं। अब दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो गढ़वाली शैली का जो सूत्रपात माना जाता है, दोस्तों यही क्वेश्चन, अगर आप इसी को देखो, सुलेमान सिको के साथ आने वाले दो चित्रकार तो श्यामदास और हरिदास है, और यहाँ पर इसके बाद, यानी कि इसके बाद इनके जो आगे पीढ़ी बढ़ती है, इसमें दोस्तों क्या है आपका, यानी कि आपका हीरालाल, यानी कि श्यामदास, उसके बाद आपके हरिदास, और उसके बाद आपके कौन है दोस्तों, हीरालाल है, यानी कि जो आपके हीरालाल है दोस्तों, हीरालाल को ही क्या कहा जाता है, गढ़वाली शैली का सूत्रपात माना जाता है, यानी कि ये इन्हीं के
वंशजों में एक है आपके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका लहचारी किस जनजाति का नृत्य है। तो दोस्तों ये जो आपके थारू जनजाति है, यह आपके थारू जनजाति का एक नृत्य है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कुमाऊं का सबसे प्राचीन थाना है ये कब का है और कौन सा है। दोस्तों जो अल्मोड़ा है, यानी कि अल्मोड़ा का जो थाना है 1837 का, यह क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन है कुमाऊं का। और अगर हम इस पर आगे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, जो आपका 1843 में होगा आपका नैनीताल का थाना हो गया, और दोस्तों आपका कब 1869 में जो एक थाना रहेगा वो रानीखेत का थाना है। यानी कि आप इन थानों को, इन तीनों थानों को आप याद रखोगे। और सबसे प्राचीन कौन सा हो गया दोस्तों, आपका 1837 का अल्मोड़ा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो विश्व मेला है यह कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये दोस्तों आपका जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में आपका जो ये विश्व मेला है दोस्तों, वहां पर ये आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आज के ये आपके 11 क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।